अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो भाई एज यूजुअल, जैसे कि हर दफ़ा मेरे ब्लॉग की पहली लाइन होती है कि बड़े दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, तो खैर, लेकिन आज बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज है 8th सेमेस्टर का फर्स्ट डे। और ये जो मोमेंट्स होंगे ना, ऑफिशियली फर्स्ट डे नहीं है, फर्स्ट डे हमारा लास्ट वीक था, लेकिन लास्ट वीक हमारी कोई क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारा एनुअल फंक्शन चल रहा था, ये तमाम चीज़ें हमें चल रही थी। तो ऑफिशियली आज हमारा फर्स्ट डे 8th सेमेस्टर का। तो मैं तो ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़े दिनों बाद एज़ यूजुअल बड़े दिनों बाद कैमरा मैंने उठाया है, तो आपको पता है फिर बंदे के अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता उस, और आजकल पता नहीं कॉन्फिडेंस वैसे भी बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना वापस अपने उस पोटेंशियल को लाया जाए, अपने उस तमाम काबिलियत को पहचाना जाए, अपने उस हुनर को पहचाना जाए। ठीक है, देख के लगता है ना मुझे, मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो सुन ली है मैंने, तो कुछ ऐसा ही है भाई। वो इस वक्त अंकल लॉन की सफाई कर रहे हैं, तो भाई ये चेक करें माशाल्लाह पीयू का हुसन, इन पजामों को छोड़ के बाकी या पीयू का हुसन चेक करें आप। ठीक है, और बहरहाल मुद्दे की पॉइंट पर आते हैं कि आज 8th सेमेस्टर का पहला दिन है। मैं चीज़ें बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। सो रेडी होता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह एक फाइनल ईयर का दिन गुजरता है पीयू के अंदर। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। तो लेकिन जैसे कि मेरे पास से कोई मैं गुजरता है मैं चुप क्यों हो जाता हूँ, बस समझ लेना आप। ठीक है, बड़े दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ, तो रेडी शेडी होता हूँ। अभी आपको मेरी आंखों से पता लग गया होगा कि मैं सो के उठता हूँ, फिर मैं आपको असल चीज़ें दिखाता हूँ कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरेगा। ओके, 1 hour later। तो भाई रेडी शेडी हो गया हूँ। तो भाई सबसे पहला काम जो दिन का ये है कि हमने जाना है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वहाँ पे मैंने 5 weeks इंटर्नशिप की थी जो कि हमारे कोर्स का लाजमी हिस्सा है। तो FIA के दो ऑफिस हैं, ठीक है, एक ऑफिस है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो लाहौर के एक तरफ है, और दूसरा है जो मतलब 4-5 विंग्स जो इकट्ठे हैं, एंटी करप्शन, एंटी जो बैंक वगैरह जितने भी इस तरह के फ्रॉड होते हैं ना, वो एक तरफ है। तो हम लोगों ने आज जाना है पहले FIA के उस ऑफिस में जहाँ पे वीज़ा फ्रॉड्स के साथ, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल जहाँ पे वीज़ा फ्रॉड्स इन तमाम चीज़ों के साथ डील किया जाता है। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट मैंने बनाई नहीं है, बन के आ गई है ग्रुप में, तो उसको हम एडिट कर लेंगे नाम शाम। ठीक है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अभी हम जाके सबसे पहले वो काम करते हैं, बाकी ये बताएं लग कैसा रहा हूं मैं। बॉस VIP। भाई अभी मैं अपनी बाइक निकालने आया था, तो ज़रा पढ़े लिखे जाहिलों की हालत दिखाऊं आपको, जिनको हम यूनिवर्सिटी के सो कॉल्ड ग्रेजुएट्स कहते हैं एजुकेटेड। ये मैं अपनी बाइक निकालने आया हूँ, ठीक है, तो किसी ने अपना टैंकी का ढक्कन ख़राब जो उतार के मेरे ऊपर रख दिया और मेरे वाला उतार के ले गया। ठीक है भाई, ऐसी बगैरती है, अब मैं बगैरती कहेंगे इसको। चाहूँ तो मैं भी, अब ये देखें ये खुला हुआ है, चाहूँ तो मैं भी किसी से उतार के लेके जा सकता हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग यार। अब मैं बाइक लेके भी नहीं जा सकता क्योंकि बारिश वगैरह वाला मौसम है, तो खुदा ना खास्ता बारिश होती है तो टैंकी के अंदर भी पानी चले जाएगा। ठीक है, लोकल चले जाऊंगा, फिर NS के साथ बाइक पे आ जाऊंगा। तो अभी प्रिंट वगैरह निकलवाता हूँ सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। अंकल प्रिंट वगैरह निकलवाने इस नंबर पे सेंड कर। मोहम्मद बिलाल BILAL। $100। तो भाई फाइनली अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट बना ली है, कुछ मैंने इसमें से नहीं बनाई थी, उसका मैंने जुगाड़ू काम कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं स्पीडो पे जाता हूँ, ऑलरेडी लेट हो गया, अगर बाइक होती तो मैं पूरे 5-10 मिनट के अंदर पहुँच जाना था, लेकिन अब थोड़ी देर लग जाएगी क्योंकि लोकल जाएंगे अब हम स्पीडो से, तो वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको सारी सिचुएशन से आगाह करता हूँ। ओके, जा रही है।
भाई फाइनली मैं पहुंच गया हूँ FIA और आपको मैं बता नहीं सकता, क्यों नहीं बता सकता मैं स्पीडो में किस तरह मैं आया हूँ। कसम खुदा की पूरा सैंडविच बन गया आया मैं। इसको तो आप जानते हैं प्रेसिडेंट साहब, स्नेक हो भाई तुम, स्नेक हो। अब हमारी मेहनत लेके, हमारी मेहनत लिख के हमसे बेहतर यार, स्नेक हो, सांप है, सांप है, सांप है, तो सांप मेरी सांप है, वही बात नहीं भाई। दो मुआ सांप, दो मुआ सांप है, इसी मेहनत मेरी है। ये तेरे को तो लिखा है, तेरे को तो लिखा है सर, मुझे पता आपने लिखा है। ये पता मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? मैं निकलने लगा हूँ, टैंकी के ऊपर कपड़ा मारा था, हाथ लगा और ढक्कन नीचे गिर गया। जब मैं उतार के देखा कोई अपना खराब वाला ढक्कन रख के चला गया, मेरा उतार के देख गया। ये हुआ मेरे साथ, सही हुआ है। सांपों का यही होना चाहिए, अराई जितने मिले मार दो, ये वतन हमारा है और अराई खराब है इसमें। ठीक है, क्या है ये वो कितनी है, कितने हैं? ये 5 हैं, बाकी मैं निकाल देते हैं बाद में। हाँ 250 रुपये में रिसीव हुआ तुझे? मेरा 250 रुपये उड़ गया यार। भाई इसने मुझे 250 रुपया सेंड किया कि ये ले तुझे, मैं 250 देता हूँ ना, प्रिंट निकलवा के ला। 250 रुपये किसी और को सेंड कर दिए तुझे, किया नाम लिखा है, मैं तो पर्ची भेज दूँ। कसम खुदा की मुझे नहीं आया, बस तू अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कर, या तो मुझे लगता है तुझे रिवर्स हो गया, मुझे तो नहीं आया। तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? ये देखे ये फाइनल रिपोर्ट है तेरी कि ACC की भाई कंप्लीट है? ACC के अंदर ही है सारा कुछ, कंप्लीट है। ACC कहाँ है? HTC एंड पे ही है बस। आज आगे चले, इधर शोर बड़ा आ रहा है। 2 hours later फाइनली वी गॉट आवर ग्रेड शीट ग्रेडेड, ठीक है, ग्रेडिंग शीट, वी गॉट आवर ग्रेडिंग शीट ग्रेडेड, और मुझे उन्होंने दिया है A। एक छुट्टी भी मेरी, अच्छा ठीक, कोई मसला नहीं। तो अभी हम लोग यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी के बाद फिर हम आगे टेंपल रोड जाएंगे, वहाँ जाके अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट्स ग्रेडिंग रिपोर्ट्स ग्रेडेड कराएंगे, ठीक है। गले गले में भी गग गग हो रहा है, तो भाई प्लीज़ फॉलो करते हैं, ये बंदा सांप है। जल्दी करो यार, मैंने अटैच करनी है अपने साथ, वो करो। वैसे हमें लगता है सांप मैं हूँ, लेकिन असली सांप हमें मिल गया, मुझे पता मिल गया। आज हमें पूरा पक्का जो नाग होता है ना, वो मिला, वो मिला, आज हमें वो मिला। ऐसा मैं कहती हूँ बंदा, ऐसा बंदा कौन, ये जो जगह है ना, ये है हमारे डिपार्टमेंट की बैक साइड, जिसको हम प्यार से, हमारे नहीं जेंडर की बैक साइड, जेंडर की बैक साइड, जिसको हम प्यार से लव, जिसको हम प्यार से लव बर्ड्स का पता नहीं है, बस जेंडर है आपका। सारे जेंडर, अल्लाह की कसम मुझे भी नहीं पता भाई, ये है जेंडर, चुप तो कर रहे, ये है जेंडर स्टडीज का बैकग्राउंड, जेंडर की बैक साइड सेम होता है। बोलो यार, बोलो 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 भाई, ये है जेंडर स्टडीज का, बहुत डार्क ह्यूमर है यार, डार्क ह्यूमर है, ये दो ही बार इसको बैठे पता लगे, इसको पता है अनुशेख तुम आता करी भाई। ये है जेंडर स्टडीज का बैकग्राउंड, इसको हम प्यार से लव बर्ड्स का नेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसका एक थोड़ी सी डिपिक्शन मैं आपको दिखा देता हूं, ये चेक करें, देखो लड़कियों को ही देख, ये सब अपनी पैकिंग करके उठ रहे हैं यहाँ से, गेट नंबर 1, ठीक है, गेट नंबर 1 से जल्दी कर यार, कुर्तबा चौक, फातिमा लैपटॉप में पानी पड़ जाने, मेरा नहीं है दफ्तर का, ऑफिस का खैर। इस टाइम भाई फात कवर कर यार, है ना, फातिमा के लैपटॉप फातिमा ही खैर है यार, वो तैयार हो क्या ये।
और यार लैपटॉप फुल गिरा हो रहा है। लैपटॉप के ऊपर करो, लैपटॉप के ऊपर करो, ये चारों पकड़ लो, चारों लैपटॉप के ऊपर करो, पकड़ लो। चलो भाई भाई आप लोग देख सकते हैं कितनी एफर्ट पुट कर रहे हैं हमसे इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाने के लिए। देखें अभी कहते हैं आपने दिन जाया कर दिया। हाँ इतनी मेहनत से हम इंटर्नशिप रिपोर्ट बना रहे हैं और एसएचओ आगे कहते हैं आप लोगों ने इंटर्नशिप पे दिन जाया किए हैं। क्या हो गया बिलाल? स्नेक हो गया है। जल्दी करो, इससे नहीं आ रही, नहीं आ रही, उसके बाद कतरा नहीं पड़ा ना आप, मेरे पे पड़ रहा है। जल्दी करो जल्दी यार, उठा के साइड में हो जाते हैं, उधर हो जाते हैं यार, सारे वहाँ पे हुई हैं। हम कितने अच्छे यार, जब तेज यार जब तेज हो जाएगा फिर उठोगे फिर उठो, लैपटॉप उठाओ। अच्छा अच्छा कट्ठी बात करूँगा मैं, ये खुशबू आ रही है मिट्टी की। हाँ फेवरेट है यार, जाहिर बात है अगर वो कह रही मुझे मिट्टी की खुशबू पसंद है तो कवर में इंजॉय करेगी। हाँ नॉर्मल है किस टाइप का एंजॉय यार, उसको मजे की खुशबू आएगी ना। कुछ लोगों की कब्र में अजाब होना, अस्तगफर अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको मगफरत फरमाए। मैं अभी स्पीडो पे आया हूँ, कसम खुदा के सैंडविच बन गया है वैसे। यार चुप कर जा, अगर ये वीडियो बंद कर, कैमरा बंद कर। अपनी बार इतनी सी बात भी बर्दाश्त नहीं करता, केला खा गया। मैं नहीं करता, केला मैं खाता हूँ, मैं और केला अनंत केला मेरा आपको बता रहा था। लड़पड़े तेरी जो जलालत हुई है, कौन सी जलालत यार? भाई मैंने अच्छा ही किया है मोटरसाइकिल ना ला के, क्योंकि बारिश हो रही है तो हम अब ऊबर पे जाएंगे एफआई के ऑफिस। यार क्या है, इसी व्लॉगिंग आप लोग फिर मिस किया करोगे जब बाद में, ठीक है ना? ठीक है हाँ, फुल शौक आया हुआ है, अपलोड होना नहीं है। ओहो एज यूजुअल मैं बनाता रहता हूँ, अपलोड करता नहीं हूँ मैं। रास्ते बता भी कौन रहा है मुझे, जिसको वाटर टाउन से बाहर कभी निकला नहीं है। हाँ जी अलहमद पहुँच जाता है। हाँ जी हाँ जी जो बात है तो गेट खुला हुआ है, कौन सा था? हाँ जी खुला हुआ नाल वाला नहर पे करता है, हाँ जी खुला हुआ नहर वाला नहीं किनाल वाला, कहते नहर वाला नहीं किनाल वाला। ये पता कौन सी फील आ रही है कि आज नहीं होगा, मैं बोलना छोड़ देता, ठीक है ना बोलूँ। पता नहीं शालामार कहाँ पे, शालामार शालामार कहाँ पे? हाँ हम ऑनलाइन ट्रेन पे जा रहे हैं, कह रहे राइट साइड पे देखते रहो शालामार आएगा। हाँ जी सर Later. क्या हुआ आपको? मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे भी बता। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर भैया। फाइनली हमारी इंटर्नशिप रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है, आपको इन सब के एनर्जी लेवल से पता लग रहा है कि हम लोग कितना खुआर हुए हैं, ठीक है? लेकिन अलहमदुल्ला मैं माइलो पी के हूँ, इसलिए मेरा एनर्जी लेवल अप है। हाँ ओके, क्या ख़त्म पे बैठे हो आप लोग? तो भाई फाइनली अलहमदिल्ला हमारी ग्रेडिंग मुकम्मल हो गई है, तो बाकी अब यहाँ से निकलते हैं और हॉस्टल पहुँच कर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? बात तो सही है, जी माशाल्लाह देना अल्लाह के नाम का जो तफीक है पांडा से दे दो, अल्लाह आपको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे,
अल्लाह कामयाबियां दे, दिल से दुआएं करूंगी। दे यार अनस, इधर से बाजी भाई को भी देनी है। भाई बड़ी दिल वाली है खदीजा, आप ही इधर, मैं भी आई हूं यहां पे, एक मुझे भी दे यार इतनी आप ही के पास बड़े पैसे हैं, आप ही मुझे भी देना। भाई आपके कैसे एहसास आ रहे हैं, आपको कैसे एहसास आ रहे हैं दो माँ की खुआरी के बाद? आज फाइनली हमारी इंटर्नशिप मुकम्मल, अच्छा लग रहा है बहुत भाई, कसम खुदा की दो मंथ हमारे कैसे गुजरे हैं, जलालत में और ठंड में गए थे। हाँ, और फेब का महीना था, जनवरी नहीं, फेब में तो मौसम सटा है, जनवरी में सुबह 9 बजे नहा के जब हम लोग बाइक पर जाया करते थे ना इंटर्नशिप, एक दफ़ा लग पता जाता है। बरहल ओके ब्रो, सी यू टमोरो। बोल गया राइट नाउ आई एम ऑन माय वे टू हॉस्टल, और भाई आप लोग मैं व्यू दिखाऊं, चेक करें माशाल्लाह, ये गोल्डन आर, और गोल्डन आर के बिल्कुल सामने रेनबो, क्या बात है भाई, चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त है यार, कमाल है यार व्यू। तो भाई आज का सारा दिन सिर्फ इंटर्नशिप जमा करवाने में लगा है, पहले लाहौर के एक कोने से फिर दूसरे कोने में स्पीडो राइड्स वगैरह, तो भाई मतलब इस टाइम बड़ी बुरी कंडीशन हुई पड़ी है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इंटर्नशिप का काम मुकम्मल हो गया, अब हमारा पूरा फोकस होगा सिर्फ थीसिस के ऊपर, और 3-4 मंथ रह गए हमारी डिग्री कम्प्लीट होने में। यस ओ यस दैट्स ऑल, तो बाकी इंशाल्लाह कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, आज इतना प्यारा मौसम है ना, तो रमज़ान अभी आया नहीं है और इसकी रहमतें माशाल्लाह से पहले से स्टार्ट हो गई, इतना प्यारा मौसम हो गया भाई, तो अल्लाह पाक अल्लाह करे सारा रमज़ान मौसम ऐसा ही रहे। तो अभी मैं चेंज वगैरह करता हूँ, और अभी आप रूम की कंडीशन देखें, ये अभी ये सारा गंद हमने साफ़ करना है इंशाल्लाह, पूरे रूम की सफाई होगी, फिर सारे रूममेट्स जब वापस आ जाएंगे तो रूम की सफाई होगी, क्योंकि इंशाल्लाह सुबह रमज़ान, तो रमज़ान से पहले भी तैयारी करनी चाहिए इंशाल्लाह। आप सबको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, तो इंशाल्लाह मेरा तो एक एम है, ठीक है, वीडियो ख़त्म होने से पहले मेरा एक एम है, मतलब आप उसको गोल कह लो जो भी कह लो, कि रमज़ान में एक दफ़ा तर्जमे से कुरान पाक ज़रूर पढ़ना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको मौका दे ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ान से मुस्तफ़ीद होने का, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।